तो गाइस अपने रिसेंट के इंटरव्यू में सर फ्रैंक एंड रॉलर्स ने बात फिर से अपने ट्रैवल चीफ रोमन रेंज को चैलेंज कर दिया है। रिसेंट टाइम में लोगन पॉल के इंटरव्यू में थे, लोगन पॉल से क्वेश्चन करते हैं आखिर रोमन रेंज को कौन हरा सकता है। शतरंज से अपना खुद का नाम लेते हैं, अब क्या होगा, मैं हूँगा जो रोमन रेंज का रहूँगा मैं। वो कहते हैं कि देखो रोमन रेंज अभी टॉप ऑफ द फेस है, मतलब अगर उससे जो कोई भी हराएगा वो अपने प्राइम एरा को हिट कर लेगा, ऐसा कुछ सेथ रॉयन की स्टेटमेंट थी। और वो डिनाई और कहते कि रोमन रेंज अभी जो भी कर रहा है सबसे ग्रेट वर्क है, ब्लड लाइन के स्टोरी सबसे आग उगल रहे अभी क्लियर स्मैकडाउन के ऊपर उसका यार्ड है, ऐसा कुछ सेथ रॉयन का रिएक्शन है अभी रोमन रेंज के ऊपर बात करते हैं। तो बात करते हैं मंडे नाइट रॉक की व्यूअरशिप के साथ। ऑफकोर्स रॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे सेगमेंट थे आज, मतलब ब्रॉक लेसनर का अटैक, सेथ रॉयन अपने फिन बैलर की फ्यूड और मेन इवेंट में कुछ तो गजब का मैच। अगर रॉक की एवरेज व्यूअरशिप की बात करें तो 1.8606 मिलियन व्यूज, ऐसे कुछ तगड़ी रॉक की व्यूअरशिप मुझे अच्छी खासी व्यूअरशिप लग रही है, क्योंकि अच्छा खासा डिसेंट सा एपिसोड नहीं था, अच्छा खासा एपिसोड था, क्योंकि काफ़ी सारी रॉक के ऊपर चीज़ें समर स्लैम 2023 के लिए हमें ऑफिशियल होती नजर आई। बात करते हैं तो गाइस समर स्लैम 2023 का फर्स्ट पोस्टर निकल के आ चुका है। समर स्लैम 2023 अक्टूबर 7 या फिर 5 को होने वाला है और काफ़ी तगड़ा या फिर बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि पे बैक के बाद प्रॉब्ली समर स्लैम देखने को मिलने वाला है, उसके बाद शायद क्राउन जो लोगों का, मतलब 2 PPU होंगे, लेकिन इस PPU का पोस्टर में हमें रोमन रेंज कहीं पर भी फ्यूचर नहीं होते नज़र आ रहे। क्या ये रीज़न है कि रोमन रेंज प्रॉब्ली अपनी चैंपियनशिप हार सकते हैं, फिर WWE ऐसे ही प्रमोट कर रही है रोमन रेंज की हमें लॉस देखने को मिलेगी। बात करते हैं तो गाइस अपने लिव मॉर्गन हो चुके प्रॉब्ली इंजर्ड रॉक के एपिसोड में, जब रिया रिप्ली के उन्होंने अटैक किया था, उसके बाद उन्होंने स्टिल उन्होंने मैच रिसीव किया था टैग टीम मैच, उस मैच में उनको प्रॉब्ली एक इंजरी का सफ़र करना पड़ रहा है। इसका इम्पैक्ट उनके ऑफकोर्स चार पाँच महीने की जो रेस्ट है उस पर जाएगा, लेकिन रकल रखोगेज वो रिया रिप्ली ये मैच प्रॉब्ली हम देखने को मिलने वाला है, उससे रिया रखोगेज को और थोड़ा बहुत बदला लेने का मोटिवेशन जाग जाएगी, क्योंकि अब बदला लेना है लिव मॉर्गन का और प्रॉब्ली रिया रिप्ली वो सब अपने रिकल रखोगेज ये मैच समझ लें प्रॉब्ली हमें देखने को मिलने वाला है।